पीपल इन केमिकल बॉन्डिंग हम इट्स विल बी द ऑलमोस्ट द लास्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग टुडे, ठीक है। सो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में, ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, राइट। सो पीपल इन केमिकल बॉन्डिंग वी वर डीलिंग विद द लास्ट पार्ट दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी के हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन जब होते हैं विद इन एटम्स, सो देर इज सम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट आर फॉर्म, और कुछ होते हैं भाई साहब एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। ओके, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकर्स अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल एज एप्लीकेबल टू फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज फिलअप करते हैं, ठीक है। और हमने कल देखा दो क्राइटेरियाज हैं इंक्रीजिंग एनर्जीज में फिलअप करने के लिए, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स, तो किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इनके ऑपोजिट स्पिन्स होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट स्पिन होते हैं मतलब एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू हंस ये सारे रूल्स से आप वाकिफ हैं, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं लगभग वैसे ही आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, ठीक है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच वन ऑफ देम हैज वन इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, ठीक है। अभी इसका मतलब समझो क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो हंस रूल क्या बोलता है, और यही सेम चीज़ आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी अप्लाई करते थे ना। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे समझ लो भाई साहब, आपका यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल में आपको तीन इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, कैसे भरेंगे आप, पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक हर एक में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ना भर गया हो। तीन, अगर दो है तो भाई साहब दो ही भरेंगे, अगर दो है तो कैसे भरोगे भाई साहब, एक और ये दो, ठीक है। अगर तीन है तो भाई साहब ये तीन भर रहे हैं, अगर चार हुआ तब जाकर आप भाई साहब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अप्लाई करते थे वही चीज़ आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी अप्लाई करेंगे। अगर समझ लो 1s से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक 1s से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पहले भाई साहब पेयरिंग को हम बाद में छोड़ेंगे, पर देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स भर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच वन ऑफ देम हैज वन इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, ठीक है। द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए भाई साहब, चलो तो अभी यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे समझ लो हाइड्रोजन को देखा गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन एस प्लस आयन और हाइड्रोजन एस माइनस आयन भी देखा गया है, ठीक है। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, ईच हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस ऑर्बिटल, तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है वन एस ऑर्बिटल में, ठीक है। ओके, देयर फॉर इन ऑल देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन सिग्मा वन एस, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो गया, वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे लिखते हो ना तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, दिस इज बेसिकली आपका सिग्मा वन एस मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, ठीक है। सिग्मा वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा वन एस स्क्वायर। देखो अगर आप भाई साहब सिर्फ हाइड्रोजन एटम का लिखते थे तो क्या लिखते थे, वन एस वन, ये है ना भाई साहब हाइड्रोजन का, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन एटम का अगर लिखते थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर लिख रहे हो तो सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे देखो कैसा हुआ रहेगा, इसका एक हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, हाइड्रोजन एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन तो वन एस वन, हाइड्रोजन एटम विथ वन इलेक्ट्रॉन वन एस वन, दोनों के भाई साहब ऑपोजिट स्पिन्स। आपका भाई साहब यहाँ पे एक क्रिएट होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्रिएट होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नहीं भरेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है क्या, रिटेनिंग नॉइस कर रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा ऑपोजिट स्पिन्स वाला। अभी आपके पास भाई साहब कोई और इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो इसमें आप कुछ भर ही नहीं सकते, तो इसका कॉन्फिगरेशन लिखकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का
क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सिग्मा 1s का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला क्या है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके भाई साहब, दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, ईच हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स 1s ऑर्बिटल, therefore in all there are two electrons in the hydrogen molecule which are present in sigma 1s molecular orbital. So electronic configuration of hydrogen molecule is kya, H2 is sigma 1s ka square. Theek hai. The bond order of hydrogen molecule can be calculated as number of electrons in the bonding molecular orbital minus number of electrons in the antibonding molecular orbital into half. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 - 0 दैट इज 2, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हाउ मच, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हाउ मच, 0। तो 2 - 0 इंटू हाफ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को हम ऐसे निकालते हैं। ओके, स्टेबिलिटी, दिस मीन्स दैट द टू हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। The bond dissociation energy of hydrogen molecule has been found to be this much and bond length is equal to 74 picometer. ठीक है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, बहुत सोच रही हो तुम आज कुछ। हाँ, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, अई बताओ क्या होता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, जीवन, यस मिस्टर मुकादम, जल्दी जल्दी, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अई देख रहे हो भाई साहब तुम लोग। हाँ, डायमैग्नेटिक मतलब, और पैरामैग्नेटिक मतलब, उल्टा बोल रही हो, डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होंगे, या तो उनका होगा अट्रैक्शन या तो होगा उनका रिपल्शन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, आपका ऑर्बिटल जो बना है, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, इन हाइड्रोजन एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम्स से जो मॉलिक्यूल बना है, तो क्या यहाँ पे कोई भी आपको ऑर्बिटल ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, दिस विल बी डायमैग्नेटिक, सिंस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम हमने इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे क्यों यूसुफ, ये ऊपर और ये नीचे क्यों है, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट, तुम लोग का ध्यान नहीं, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है, आप बताइए, ये हमने ऊपर क्यों किया है और इसको नीचे क्यों रखा है, सिग्मा एस्ट्रिक्स का एनर्जी ज्यादा है भाई साहब, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा का एनर्जी कम है, कितनी बार तो ये पढ़ा चुका हूं मैं, तो सिग्मा का भाई साहब एनर्जी लेवल कम है, इतना कम कि इन दोनों कंबाइनिंग ऑर्बिटल से भी इसका एनर्जी लेवल कम है, दैट्स द रीजन इट इज, ठीक है, डाउन एंड दैट्स द रीजन इट इज अप। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा भाई साहब मतलब दिन गिनते गिनते आपका 11th पार हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में चला जाएगा, इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई गेस दिस हैज बीन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, कि आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, लेसर देन इवन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा, अटेंशन बिल्कुल नहीं है भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्यों है भाई साहब, क्योंकि आपके जो भी ऑर्बिटल्स है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी आते हैं भाई साहब किसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा तन्वी, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, व्हेन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो आपके दो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम में एक, दूसरे में एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो कंबाइन करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें से एक चला गया है, समझ में आ रहा है, तो कितने बचे, एक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक का भाई साहब, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक, तो ये हो गया 1s1 एक का, एक के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, कहीं से तो जाएगा ना भाई साहब, तो इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन चला गया है। ओके, तो अभी आपके पास भरने के लिए कितने हैं, एक ही, तो ये भरेगा तब जाकर ये भरेगा ना, तो ये तो भरा ही नहीं, ठीक है, इसकी प्रिपेयरिंग हुई नहीं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिग्मा 1s और रेज टू 1,
सिग्मा 1s^1 मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक s वाले ऑर्बिट में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है। किस टाइप का ये एटम मॉलिक्यूल है? H2+। ध्यान दीजिए यहाँ पे H2+, दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप लूज कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हो गई भाई साहब एनर्जी लेवल डायग्राम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल अगेन रिमेन वेकेंट, ठीक है। ओके, तो आपका Z=1s1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2+ आयन भाई साहब कितना हो जाएगा? 1+1, दोनों से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो भाई साहब 1 हो गया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2 आयन इज व्हाट? σ1s^1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है यूसुफ? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है आप बताइए? नहीं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB जिसको हम बोलते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ NB, NB में भाई साहब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसमें कितने हैं? 0, तो हाफ 1-0 हो गया ये भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? हाफ आ जाएगा ना, ये दिस विल बी हाफ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया भाई साहब? हाफ, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनर्जी लेवल डायग्राम की आयन शुड बी स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहिए सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। जब भी आपको पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मिलता है तो आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाई वुड इट बी स्टेबल? पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर सोचकर बताओ भाई साहब, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है और ये डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा इसका मतलब? तो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका बॉन्डिंग, देखो आपका पॉजिटिव कब आएगा? ऑब्वियसली हमने पढ़ा कल, देखो अगर NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सो आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई साहब? बॉन्ड ऑर्डर विल बी ऑब्वियसली क्या? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर होता है तो मॉलिक्यूल क्या होगी? स्टेबल होगी, ठीक है, स्टेबल होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, अगर भाई साहब आपका NB आपके NA से कम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, सो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अनस्टेबल मॉलिक्यूल भाई साहब, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? बॉन्ड ऑर्डर भले ही बहुत कम मिला है हाफ का, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। H2 आयन शुड बी स्टेबल सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, बट द स्टेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको जो वैल्यू मिला है बॉन्ड ऑर्डर का वो कितना है? 0.5 या 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1/2 या 0.5। सो इसके वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी कम है भाई साहब, ठीक है, स्टेबिलिटी इज लेस। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ठीक है, ओके। तो आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 का कितना आया? कितना है भाई साहब? 1, हाफ नहीं, 1। H2 का पूछ रहा हूँ, H2 प्लस का नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी देखा ना आपने, देखो H2 का कितना आया भाई साहब आपका यहाँ पे? 1 आया, ठीक है, और H2 प्लस का कितना आया? हाफ। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम हो गई है, मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि H2 ज़्यादा स्टेबल है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब H2 ज़्यादा स्टेबल है या H2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? ऑब्वियसली H2, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो मतलब दोनों भी स्टेबल हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है हाफ या 0.5, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हम पढ़ेंगे H2 माइनस अगर हो जावे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखो, कल हमने पढ़ा था, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है? सिंस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके H2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है कहीं पे भी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल में, कहीं भी किसी भी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट होगी। मतलब ये सब्सटेंस को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्स होगा। अट्रैक्ट ही होगा, रिपल्स तो वैसा मैग्नेट मैग्नेट में ही होता है, ठीक है। ओके, सिंस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन H2+ आयन, देयरफॉर इट्स पैरामैग्नेटिक इज, ये पैरामैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये आपका यूनिट है BM, ये आप बाद में चल के पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए BM, ठीक है।
और ये जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगी। एन अंटू एन प्लस टू अंडर रूट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन, वन इंटू वन प्लस टू, क्लियर है इस। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, दिस इज बेसिकली म्यू एम एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, और इसका यूनिट बी एम होता है, ठीक है, इसका यूनिट इज बी एम। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या रिलेशन है, वैसे आप एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके सो यही तो प्रॉब्लम है भाई साहब, तो देखिए अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर बढ़ता है तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक कब बढ़ेगा, जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, चाहे आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। H2 plus आयन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पीशीज, क्यों सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पीशी देखो, ठीक है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पीशी मतलब इससे ज़्यादा कम में और कोई मॉलिक्यूलर स्पीशी एग्जिस्ट नहीं कर सकती भाई साहब। किसी भी एटॉमिक स्पीशी को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो अगर एटॉमिक स्पीशीज में सबसे सिंपलेस्ट बोले हम एटॉमिक स्पीशीज में, तो क्या हो जाएगा आपका H हाइड्रोजन, सबसे भाई साहब आपका 1s1, इससे कम में और कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर स्पीशी में सबसे सिंपलेस्ट स्पीशी हो जाएगा आपका H2+, क्योंकि इसके पास भी दो एटम्स होने के बावजूद भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इट इज अ सिंपलेस्ट, H2+ इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्पीशीज कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस हैज बीन डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, कंटेनिंग H2 गैस एट लो प्रेशर। तो हमने भाई साहब इसका एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट किया था, आपके देखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो उसमें हमने हाइड्रोजन गैस को पहले लिया था। सो दैट इज अ लिटिल ओके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी हम देखो, हमने देखा कौन कौन से हाइड्रोजन एटम्स को देखा भाई साहब, H2 जो सिंपल है, फिर H2+ देखा, अभी हम देख रहे हैं भाई साहब H2-। तो H2- अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यूसुफ, तीन, तो एक 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 तो दोनों से आ ही रहे हैं, प्लस एक और आया है बाहर से जिसके वजह से उसके तीन हो गए हैं, ठीक है। तो आपका Z इज इक्वल टू 1s1 होता है सिंपल हाइड्रोजन का, Z मतलब एटॉमिक नंबर, 1 मतलब 1s1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2- आयन कितना हो जाएगा, 1, एक वन और एक वन बाहर से भाई साहब, कितना हो गया 3। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2- आयन भाई साहब क्या हो जाएगा, तो आते हैं हम H2- आयन पे, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहला आपका ये 1 atomic orbital, ये आपका भाई साहब 1s2 atomic orbital, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में भाई साहब एक होगा, दूसरे में दो होगा, ठीक है। जैसे आपने पिछली बार क्या किया था, एक में एक है और एक में कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक में एक होगा और एक में दो, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तीन। एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आपका 1s का यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s का स्क्वायर। सिग्मा मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो 1s बना है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया आपका सिग्मा 1s का स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा आपका, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का 1, तो ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑब्वियसली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो है तो एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा, ठीक है। ओके सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, सिग्मा 1s का स्क्वायर एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s raised to 1। ये 1s raised to 1 को आपको लिखना ही पड़ेगा, कभी कभी हम जब पावर 1 होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 raised to 1 कोई लिखता नहीं है, राइट, यू जनरली राइट इट एज 2, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना हो गया 2 - 1, तो ये हो गया भाई साहब आपका हाफ, तो मतलब हो गया प्लस हाफ। सो अकॉर्डिंग टू अबाव एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एज शोन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम इज, ठीक है, H2- आयन सम वॉट स्टेबल ड्यू टू स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे भी देखो, देखो H2 में तुमको कितना बॉन्ड ऑर्डर मिला था, 1 मिला था भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। H2 प्लस में तुमको कितना बॉन्ड ऑर्डर मिला, प्लस 0.5 या हाफ लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस 1 है। और H2 माइनस में भाई साहब कितना मिला तुमको, प्लस 0.5, ठीक है। इसमें भी तुमको मिला, मतलब है स्टेबल है। जब तक आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा तब तक स्टेबल रहेगा, सम वॉट स्टेबल ड्यू टू स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है बहुत स्मॉल है, उसका वैल्यू बहुत स्मॉल है 0.5। नो मैटर द फैक्ट दैट इट इज पॉजिटिव बट द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भाई साहब, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है आपका, तो यहाँ पे क्या डायमैग्नेटिक होगा, नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज हाउ मच, 1, तो 1 + 1 × 1 + 2 दैट विल बी अंडर रूट 3 bm, ठीक है, क्लियर है। सो सिंस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s ऑर्बिटल, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, n × n + 2 दैट इज अंडर रूट 3 bm, क्लियर है। ओके कंपैरिजन बिटवीन द स्टेबिलिटीज ऑफ H2+ एंड H2- आयंस, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल इज द स्पीशीज। जितना ज़्यादा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा भाई साहब स्टेबल होगा स्पीशीज, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, द मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, द मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी एंड द लेसर इज द बॉन्ड लेंथ, है ना भाई साहब, ठीक है। आपका देखो आपने पढ़ा है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्लियर है। ओके सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेसर स्टेबल इज द स्पीशीज। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किस में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एन ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो आपका बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा तो बॉन्ड्स विल बी रिक्वायरिंग लेसर एनर्जी टू स्प्लिट अप, तो इसका मतलब अगर लेसर एनर्जी चाहिए इनको स्प्लिट अप होने की तो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। ओके सो ऑल द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ एंड H2- इज सेम, येट H2+ इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन H2- बिकॉज H2- कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स इन रिपल्शन एंड डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम प्योर मैथमेटिक्स से जाएंगे तो H2+ का और H2- का दोनों का भी भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, प्लस हाफ, ठीक है। लेकिन H2+ में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब आपका भाई साहब सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन H2- में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दैट इज सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देर इज वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट विल बी लाइक दिस। ओके इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स इन रिपल्शन एंड डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, वेयर एज H2+ डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, हेंस इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H2, तो आपका भाई साहब बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, H2 की, उसके बाद भाई साहब किसकी होगी, H2+ की, उसके बाद किसकी होगी भाई साहब, H2- की। H2 सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है भाई साहब उसका, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2+ भाई साहब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो इसीलिए इससे लेस हो गया ये, तो इसीलिए आपका भाई साहब इसका स्टेबिलिटी भी लेस हो गया। लेकिन यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नहीं है, यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक आ जाता है, तो भले ही इसका 0.5 प्लस पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है लेकिन इससे कम होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, H2+ and H2-। ओके अभी हम आते हैं भाई साहब हीलियम मॉलिक्यूल पे, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, 1s2। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स हीलियम के कंबाइन कर रहे होंगे, व्हाट विल हैपन, तो ये आपका भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम इज, तो आप बताइए यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये भर गया भाई साहब सिग्मा वन एस का स्क्वायर हो गया। अभी भरा जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो ये हो गया सिग्मा एस्ट्रिक्स वन एस का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा भाई साहब, सिग्मा वन एस का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स वन एस का स्क्वायर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं अनस्टेबल नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना भाई साहब। बॉन्ड ऑर्डर मतलब आपने देखो सिंपल फॉर्मेट में बॉन्ड ऑर्डर क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आज की तारीख में आप भाई साहब फॉर्मूला लगा के पढ़ रहे हो, लेकिन सिंपल फॉर्मेट में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही था ना, तो इसका मतलब जीरो बॉन्ड्स विल फॉर्म। और वैसे भी हीलियम क्या है, इनर्ट है ना भाई साहब, मतलब जितना आपका फिल्ड होना चाहिए उतना फील्ड है उसका, ठीक है, ओके। सो नो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम, क्योंकि आपका बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब देखो ऐसे मत समझो कि अरे बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया है मतलब पॉजिटिव है, हाँ चलो भाई साहब इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं, नहीं बॉन्ड ही नहीं बनेगा भाई साहब। बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो नो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू हीलियम एटम्स। वैसे भी हमने देखा है भाई साहब हीलियम इज द फर्स्ट इनर्ट गैस, इट इज़ द फर्स्ट इनर्ट गैस, तो हीलियम भाई साहब आपका पहला इनर्ट गैस है। नो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एच ई एटम्स, सो एच ई टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम बनाना भी चाहें इट मेक्स नो सेंस बिकॉज भाई साहब यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। बनाने को हम बना सकते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन कराने की अगर कोशिश करें तो कुछ ऐसी घटना घटेगी, लेकिन फिर उसका आगे कुछ उपयोग नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके चलिए, हीलियम पॉजिटिव आयन क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव आयन, तो लेट्स सी, ठीक है। हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स मतलब दो दो चार इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बन रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब बाहर गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, 2+2 -1 दैट इज 3, ठीक है। हीलियम का एक मॉलिक्यूल, हीलियम का एक मॉलिक्यूल। अभी हम जाते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर में अगर हमको जीरो वैल्यू नहीं आती है देन इट विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो ये क्या बन गया, सिग्मा वन एस का स्क्वायर। तो आपके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे भाई साहब, एक और बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर पे आकर भर गया, तो इसका मतलब हो गया सिग्मा एस्ट्रिक्स वन एस वन, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विच इज बेसिकली 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच इज 1, तो हाफ इंटू 2 -1 दैट इज हाफ इंटू 1 दैट इज 0.5 या हाफ, ठीक है। तो क्या ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, येस वेरी मच इट विल एग्जिस्ट, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम भाई साहब ये हो गया आपका, ठीक है, दिस इज बेसिकली द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हीलियम एटम है और ये हीलियम आयन है, लगभग इसको भी आप हीलियम आयन ले सकते हैं और हीलियम एटम ले सकते हैं, लगभग आपके पास भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी एक को आपको एटम लेना पड़ेगा और किसी एक को आपको आयन लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ H2+H2- and HE2+ ions, तो H2- में भी देखो कुछ ऐसा ही सिमिलर कॉन्फिगरेशन मिला था आपको और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम मिली थी आपको, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको HE2+ में भी आपको सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है। बोथ हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, +0.5 या +0.5, ठीक है। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, H2+ का भी देखा था भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया था, 1, ठीक है, H2- का, ठीक है, H2- के भी भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, विच मीन्स सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s1 था भाई साहब, और HE2+ में भी आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भाई साहब 2 था, मतलब सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का भाई साहब स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर। क्लियर है पीपल? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ H2 and HE+ आयंस, बोथ हैव द सेम बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो दोनों के भी भाई साहब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दस किसमें हाइड्रोजन में, तो हीलियम तो चल ही रहा है यहाँ पे, एक ही तो है, नहीं नहीं क्या क्या कंफ्यूजन है बता,
यहाँ पे एच ई टू प्लस है ना, देखो एच ई टू प्लस है, तो एक हीलियम एटम में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो, दूसरे हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो, तो दो और दो और कितने होते हैं, चार, लेकिन ये प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, तीन, समझ में आ रहा है ये। तो एक हीलियम एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, दूसरे वाले हीलियम एटम के पास भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन है, मतलब थ्री, ठीक है, तो टू और ये वन, तो यहाँ पे टू आया और यहाँ पे वन हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। दस हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, तो आपका एच ई टू प्लस और एच ई टू एच टू माइनस दोनों का भी क्या हो जाएगा, एकदम सेम कॉन्फिगरेशन है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम और फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी एकदम सेम, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों के ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ओके। दस बोथ ऑफ देम हैव सिमिलर स्टेबिलिटी, दोनों की भी बिल्कुल सेम स्टेबिलिटी हो जाएगी, सिमिलर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सेम हो जाएगी, सिमिलर बॉन्ड लेंथ एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूरा पूरा सेम हो गया, ठीक है, एंड दीज हैव बीन वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्या हो गया, ओके, अभी आते हैं भाई साहब बेरिलियम एटम पे, ठीक है, बेरिलियम एटम पे, ए यूसुफ तू बना भी, बेरिलियम पे भाई साहब आपके कितने हैं, जेड एटॉमिक नंबर कितना है, फोर, तो फोर का भाई साहब क्या हो जाएगा, वन एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर, एनर्जी लेवल डायग्राम फटाक से बनाइए भाई साहब, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, इधर से आए चार इधर से आए चार, कितने हो गए आठ, ठीक है, तो भाई साहब बनाइए बेरिलियम का, तो ये हो गया भाई साहब बेरिलियम, ठीक है, ये हो गया वन एस स्क्वायर का पहले बनाते हैं, ठीक है, वन एस स्क्वायर, तो बेरिलियम का भाई साहब हम पहले बना लेते हैं वन एस स्क्वायर, दिस इज वन एस स्क्वायर, दूसरा वाला बेरिलियम एटम, ठीक है, दूसरा वाला बेरिलियम एटम, इसका भी भाई साहब कितना हो गया वन एस का स्क्वायर, क्लियरम 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 पीपलम पीपलम क्लियरम, ठीक है, वन एस का स्क्वायर, वन एस का स्क्वायर, सप्लीमेंट चाहिए, हो गया है, तो क्या बात कर रहा है इतनी जल्दी हो गया, ओके एक मिनट, वन एस स्क्वायर और वन एस स्क्वायर भाई साहब, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, चार, ठीक है, तो चार में से ये आ गए भाई साहब किस में, सिग्मा, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गया भाई साहब, सिग्मा वन एस, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वन एस का स्क्वायर, ये भरा जाएगा अभी भाई साहब, सिग्मा एस्ट्रिक्स वन एस का भाई साहब स्क्वायर, आपके पास टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये और ये दोनों भी भर गए आपके, ठीक है, ओके, ये तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, ओके, अभी हमारा भरा जाएगा भाई साहब कौन सा, 2s, ठीक है, तो 2s को भरने के लिए भाई साहब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे भाई साहब 2s पे, ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2s का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2s का स्क्वायर, ये आपके दूसरे बेरिलियम एटम का भाई साहब, दूसरे बेरिलियम एटम का 2s का स्क्वायर, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका 2s का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे भी भाई साहब चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब, ठीक है, ओके, ये हो गया सिग्मा एस्ट्रिक्स, सॉरी 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 सॉरी, आई यूसुफ यहां पे क्या होगा बता, कॉन्फ़िगरेशन बता जल्दी से, जल्दी जल्दी, सिग्मा एस स्क्वायर और ऊपर हुआ, नहीं गलत, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2s का स्क्वायर, और इधर क्या होगा सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s का स्क्वायर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ये आपका हो गया, मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तू ही बताएगा, नहीं, क्यों, जीरो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा,
अरे वो है था क्या है, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कितना हो गया भाई साहब? फोर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये अरे क्या हो गया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भाई साहब ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फोर। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, तो ये हो गया हाफ इंटू फोर माइनस फोर, दैट इज जीरो। क्लियर पीपल? ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर बी मॉलिक्यूल बनता था तो ये होता था भाई साहब, ठीक है। तो लाइक एच ई टू मॉलिक्यूल जिसको हम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया था, मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म हो रहा था, तो इसी तरह से बेरिलियम मॉलिक्यूल भी वैसा आपका फॉर्म नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब लिथियम मॉलिक्यूल की। अरे तू क्यों बंद करने जा रहा है? वो बंद करके गई ना, ठीक है, चल चलेगा, मैं तेरा नाम लिया ही नहीं। ओके तो लिथियम मॉलिक्यूल है भाई साहब आपका, लिथियम मॉलिक्यूल भाई साहब जेड इज इक्वल टू थ्री है, ठीक है। ये हो गया वन एस स्क्वायर और ये हो गया आपका टू एस वन, ठीक है। ओके तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल आई टू मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा भाई साहब? तीन और तीन हो गए आपके छः, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखा सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1s को नहीं दिखाया गया है, तो आपका ये लिथियम एटम है, दिस इज बेसिकली लिथियम एटम, यहाँ पे आपका है क्या लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं। ओके सो दिस इज बेसिकली लिथियम एटम, भाई जल्दी बंद करो, 1s, ठीक है। लिथियम एटम में भाई साहब इसका 1s1, ठीक है, सॉरी इसका 1s2 और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 1s2, है कि नहीं? लिथियम एटम में दोनों का, दोनों भी लिथियम एटम में भाई साहब आपका एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका 1s2, इसका 1s2, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया सिग्मा 1s, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? दो, इससे एक और इससे एक, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई साहब, तो ये हो गया आपका सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी आते हैं हम 2s पे, तो 2s पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब? एक इलेक्ट्रॉन है ना, सो एक लिथियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक लिथियम एटम का एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों भाई साहब सिर्फ सिग्मा 2s को ही भर पाएंगे और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा 2s का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी भाई साहब? सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं के के, ठीक है, के के, जैसे हम उसमें लिखते थे ना, देखो हीलियम या नियॉन या आर्गॉन को लिखते थे, तो हीलियम और ऐसा कॉन्फिगरेशन, नियॉन या ऐसा कॉन्फिगरेशन, तो वैसे यहाँ पे के के डैश लिखते हैं, ठीक है, दैट इज सिग्मा 2s का स्क्वायर। मतलब ये देखो इसमें ना आप जानते ही हैं कि भाई साहब ये भरा जाएगा तभी इस पे आएंगे, इसको समझो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, और फिर सॉरी सिग्मा 2s स्क्वायर, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अभी भाई देखो यहाँ पे आप भरेंगे तभी ना जब ये दोनों भरे हों, तो इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? के के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये भरा हुआ, जैसे आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, समझ लो मुझे सोडियम लिखना है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भाई साहब क्या है? 11, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर,
2p6, 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 10 and 3s1, ये लिखते थे ना आप, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, किस इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं इसमें, नियॉन 3s1, ऐसे लिखते हैं भाई साहब, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना भाई साहब। भाई 3s1 में आप पहुंचे कहाँ से, यहाँ पे इनको भर के तभी तो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और अगर इनको भर लिया तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई साहब। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे सिग्मा 2s पे पहुंचे कैसे, जब आपका सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s दोनों भी भर जाए तभी आप वहाँ पे पहुंचेंगे। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर ये लिखते हैं हम। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट। अभी बात होती है कि भाई साहब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपके भाई साहब नंबर ऑफ, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NB कितना हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बोलो भाई साहब जल्दी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना हो गया, बोलो 2 और 2, 4 हो गया भाई साहब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, ठीक है। आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ इंटू NB माइनस NA, दैट्स हाउ मच, हाफ इंटू दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज हाफ इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आतम, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल इज हाउ मच, सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर और के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर। द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो रिटन एज के एस्ट्रिक्स और सिग्मा 2s का स्क्वायर, वेर के डैश रिप्रेजेंट्स द क्लोज्ड के शेल का स्ट्रक्चर। क्लोज्ड, देखो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब आपने टेंथ में पढ़ा था तो आपका फर्स्ट शेल, टू सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इसको कैसे नाम देते थे आप, KLM ऐसा देते ना। तो K मतलब हो गया आपका फर्स्ट शेल, ठीक है, K मतलब हो गया आपका फर्स्ट शेल। थोड़ा सा पीछे जाइए, यहाँ पे देखो लिथियम, यहाँ पे वैसे आप क्या है, 1s मतलब फर्स्ट शेल हो गया ना ये, तो ये हो गया K और ये हो गया क्या, के एस्ट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये हो गया K और ये हो गया के एस्ट्रिक्स। तो इसीलिए हम के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर लिख रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है और रिक्वायर्स अ री एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड, ओके। चलिए तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, के डैश रिप्रेजेंट द क्लोज के शेल स्ट्रक्चर, के इंडिकेट द फर्स्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड के एस्ट्रिक्स इंडिकेट्स द फर्स्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दस के डैश इज द सेम एज सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज जो है आप ना लिख के, इस पूरे को आप ना लिख के सिर्फ के डैश भी लिखेंगे, के एस्ट्रिक्स भी लिखेंगे तो हमको समझ में आता ही है, ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड बाय अस, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो क्या यहाँ पे लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, SLi2, यस भाई साहब, बॉन्ड ऑर्डर है उसका, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पॉसिबल दिख रहा है। दिस शोज दैट लिथियम 2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। दीज के क्लोज शेल्स आर ओमिटेड इन द एनर्जी डायग्राम, ज़्यादा करके हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एनर्जी डायग्राम में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन में 1s2 आपका अगर भरा हुआ है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट ज़्यादा करके नहीं करते, कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट लिथियम 2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, तो अभी बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया है, आपका ये वाला भी भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, मतलब सबकी क्या हो गई है, पेयरिंग इज कंप्लीट, सबकी भाई साहब पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स, इट हैज़ बेसिकली पेयरिंग ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स। तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज नोन एज डाया मैग्नेटिक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, दिस मॉलिक्यूल विल बी डाया मैग्नेटिक। क्लियर है नहीं, ओके। चलिए भाई साहब, कंपैरिजन बिटवीन द स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एंड बोरॉन, ठीक है। सो ऑल्दो द ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखो हाइड्रोजन का, लिथियम का और बोरॉन का इज सेम, दैट इज वन, दे आर नॉट इक्वली स्टेबल। तो हमने हाइड्रोजन और लिथियम का फॉर्मेशन देख लिया है, ठीक है। बोरॉन का अगर आपको करना है, बोरॉन का भाई साहब कितना होता है, बोलो, बोरॉन का भी देख लेते हैं यहाँ पे, बोरॉन का कितना हो जाएगा, बोरॉन इज 5, है ना, तो बोरॉन का भाई साहब Z कितना है, 5। फटाफट से इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, 2p1 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। फटाफट बनाते हैं भाई साहब, यहाँ पे पहला आपका 1s2, ठीक है,
तो ये हो गया आपका 1s² एक बोरॉन का, ठीक है, दूसरे बोरॉन का भाई साहब 1s², ठीक है, दोनों में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला आपका ये बन गया क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो ये एक और ये दो हो गया, सो दिस कुड बी सिग्मा 1s का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा भाई साहब आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब 2s² की, तो यहाँ पे भाई साहब बोरॉन है, ठीक है, ये हो गया इसका 2s², दिस वाज 2s², दिस इज बेसिकली बोरॉन एंड दिस इज 2s का स्क्वायर, तो 2s के स्क्वायर में भाई साहब वही सेम चीज, सिग्मा 2s इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s इसका स्क्वायर, तो एक दो और ये हो गया भाई साहब 3-4, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब 2p1 पे, ठीक है, सो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s², 2s² और 2p1, ठीक है। सो बोरॉन में अभी हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बोरॉन इज 2p1, ये एक बोरॉन का 2p1 और दूसरे बोरॉन का भाई साहब यहाँ पे 2p1, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी भाई साहब एक पेयर, तो सिग्मा 2p1, क्यों 2 ना भाई साहब, सिग्मा 2p का स्क्वायर, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर आपका भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो सिग्मा एस्ट्रिक्स 2p भाई साहब क्या हो जाएगा, रेस टू 0, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हमको निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा बोलो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कितने हो गया भाई साहब, ठीक है, ये आपका 2, ये आपका 2 और ये हो गया भाई साहब आपका 6, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 2+2 4, कितना हो गया भाई साहब आपका 4, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 4, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 NB - NA, दैट इज 1/2 6 - 4, दैट इज 1/2 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे लिथियम का, हाइड्रोजन का, ठीक है, लिथियम का और हाइड्रोजन का और बोरॉन का, सबका भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब सबका आया है 1, ठीक है, एवरी वन हैज़ अ पॉजिटिव 1 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ओके। तो ऑल दो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एंड बोरॉन इज द सेम, दैट इज 1, दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, वाई आर दे नॉट इक्वली स्टेबल, साइज ऑफ लिथियम एटम इज मोर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, साइज ऑफ लिथियम एटम इज मोर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम में भाई साहब एक ही शेल है, लिथियम एटम में भाई साहब 2 and 1 दो शेल्स हैं, ठीक है, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम इज मोर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, साइज अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, और हमको मालूम है कि भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब अगर आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो आपका भाई साहब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपैरिजन बॉन्ड ऑर्डर से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लिथियम, ठीक है, सबका बॉन्ड ऑर्डर H2 Li2 एंड B2, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर हमको कितना मिला है 1, तो इसीलिए हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हमको या तो इसमें जाना पड़ेगा या तो हमको बॉन्ड लेंथ में जाना पड़ेगा। अगर बॉन्ड एनर्जी में जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमको इसको थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर बार हर एटम को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें बाई कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भाई साहब, क्योंकि एक शेल आपका बढ़ गया है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाएगा जब आप हाइड्रोजन से लिथियम में जा रहे हैं, ठीक है। बोरॉन में भाई साहब क्या हो जाएगा, एक और शेल बढ़ गया भाई साहब, ठीक है, तो आपका भाई साहब ऐसे जैसे, तो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम इज मोर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोर ओवर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, वेर एज देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ H2, तो एक तो हो गया भाई साहब
बॉन्ड लेंथ ऑफ एच टू इज लेसर, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ लेसर होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब यू विल रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसमें, लिथियम में आपका भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इफ यू चेक भाई साहब यहाँ पे लिथियम का जब हम शो कर रहे थे तो लिथियम के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर हम भाई साहब यहाँ पे आते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है, देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब होता है तो मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बिकॉज यू आर नॉट हेयर, आई कैन मेक इट आउट फ्रॉम योर फेस दैट यू आर नॉट हेयर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू इलेक्ट्रॉन्स, आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, इन Li2, इसमें भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन में भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। सो देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ H2 इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ Li2, टू फैक्टर्स, बॉन्ड लेंथ इज लेसर इन H2, एंड देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, देखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मतलब इतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ लिथियम, ठीक है, आपका लिथियम का बॉन्ड भाई साहब इतने से एनर्जी से टूट जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए आपको यू विल हैव टू सप्लाई अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। साइज ऑफ लिथियम एटम इज, अभी हम बोरॉन पे आते हैं भाई साहब, लिथियम एटम का साइज ऑब्वियसली बोरॉन एटम के साइज से ज़्यादा, तो आपका बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, बोरॉन का ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो लेस स्टेबल होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया भाई साहब। तो अगर आप देखोगे लिथियम का बॉन्ड लेंथ कितना है 265 पिकोमीटर और बोरॉन का बॉन्ड लेंथ कितना है भाई साहब 159 पिकोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भाई साहब ये है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या बन रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी टू, अरे हाँ यार सिग्मा 2s के बाद पाई 2px1 बनेगा ना, करेक्ट भाई साहब, हमने यहाँ पे गलत बनाया, ठीक है, किधर गया बोरॉन, बोरॉन 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 भाई साहब, यही था बोरॉन, तो सोडियम है भाई साहब, ठीक है। तो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है, जो भी हम रखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है भाई साहब, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई 2px, ठीक है, और आपका भाई साहब पाई 2py, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गेट फॉर्म। तो यहाँ पे पाई 2px1 और पाई 2py1, ठीक है, पाई 2px और पाई 2py में हम भरेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। मोर एवर देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स मोर इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बी टू देन एल आई टू। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देखोगे, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो दोनों के भी, लिथियम का और बोरॉन का, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, लिथियम के भाई साहब कितने हैं, लिथियम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, और बोरॉन का भी भाई साहब दो है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों में सेम है, समझ आ रहा है। देखो कंपैरिजन आपको बहुत सारी चीज़ों से करना है, पहले तो देखना है कि भाई साहब साइज क्या है, साइज के हिसाब से भाई साहब आपका बोरॉन का साइज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ कम हो, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भाई साहब आपकी कम होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब, अभी हम देखेंगे भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एटम उतना ही अनस्टेबल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम में कितने हैं, दो हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरॉन में भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन बनता नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम क्या देखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स मोर इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो और दो भाई साहब कितने हो गए भाई साहब, चार, ठीक है। और उसके पास कितने थे भाई साहब, लिथियम में कहानी वहाँ तक ही खत्म हो गई थी भाई साहब, 2s² तक, ठीक है। तो इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन देर आर टू मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ठीक है। हेंस बोरॉन इज मोर स्टेबल इन लिथियम बट लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन से लेस स्टेबल क्यों होगा, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बोरॉन 2 इज मोर स्टेबल देन लिथियम 2 बट लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन।
क्या ही समझ में आ रहा है, क्योंकि बोरॉन लीड ले रहा है कहाँ पे, दो चीज़ों पे लीड ले रहा है। एक तो भाई साहब उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, लेकिन उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कम है, लेकिन उसका भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपके दोनों के बोरॉन और लिथियम दोनों के ही अगर आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो दो है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका बोरॉन का ज़्यादा है। ठीक है, बोरॉन इज मोर स्टेबल देन लिथियम बट लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं है। ठीक है, और आपका भाई साहब बोरॉन में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अगर बोरॉन देखोगे, बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या होती है, वो एनर्जी जो आप सप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू सप्लाई टू अ बॉन्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इट इज नोन एज द बॉन्ड एनर्जी। तो पर मोल आपको इतना किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पे पर मोल आपको इतना किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर मोल आपको इतना किलो जूल्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। दस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज एच टू इज ग्रेटर देन बी टू एंड बी टू इज ग्रेटर देन एल आई टू। ठीक है, चलिए भाई साहब हम यहाँ पे काम करते हैं कार्बन का। ठीक है, कार्बन आपका C2 अगर होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है भाई साहब, 6 1s² 2s² 2p² तो 6+6 हो गया भाई साहब कितने, 12 इलेक्ट्रॉन्स। इन 12 इलेक्ट्रॉन्स का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1s² का तो कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, इसका 1s² एक कार्बन एटम का, दूसरा कार्बन एटम का 1s², तो आपका एक भरा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक भरा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा 1s² सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s² सीधा बिना आप बनाए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं भाई साहब 2s² में। ठीक है, इसमें भी वही होगा भाई साहब, सिग्मा 2s का स्क्वायर एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आते हैं भाई साहब 2p में। ठीक है, 2p में अगर हम आते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना है, दो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं भाई साहब, 3, इसके 3 पी ऑर्बिटल्स और इसके 3 पी ऑर्बिटल्स, तो आपका पहले भरा जाएगा सिग्मा 2px और सिग्मा 2py, इक्वल एनर्जी होते हैं, तो यहाँ पे पहले हमने इन दोनों को बनाया। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, ये वाला जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक चलता है, जहाँ तक आपके भाई साहब 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 2px और 2py आपका भाई साहब पाई 2px और पाई 2pz आपके बराबर हैं, तो आपके भाई साहब यहाँ पे बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। सिग्मा 2pz पे जाने के लिए और कोई भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या आपका, नहीं। अभी आते हैं हम पाई एस्ट्रिक्स 2px और पाई एस्ट्रिक्स 2pz, यहाँ पे कुछ भरने के लिए आपके पास बच रहा है, नहीं। फिर आते हैं हम भाई साहब सिग्मा 2pz, वहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर एनर्जी लेवल डायग्राम वुड लुक लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिग्मा 1s इसका स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s इसका स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 2px का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2py का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, KK-, ठीक है, KK एस्ट्रिक्स, ये हो गया भाई साहब, फिर उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस पूरे को 2s को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2s हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हमारा 2s कंप्लीट हो जाता तो हम क्या लिखते थे, LL एस्ट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर इन सब में इलेक्ट्रॉन्स भर गया होता, ठीक है, ये सब में अगर इलेक्ट्रॉन्स भर गया होता तो तुमने इसको क्या लिखा होता, LL एस्ट्रिक्स, क्योंकि आपका सेकंड शेल है वो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, तो क्योंकि वो भरा नहीं है इसलिए तुम L नहीं लिख सकते, ठीक है, या L एस्ट्रिक्स भी नहीं लिख सकते। आर वी क्लियर, चलिए आते हैं फटाफट भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड ऑर्डर में अगर हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फटाक से बताइए। बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे दो, यहाँ पे भाई साहब दो और दो 4, मतलब 6 हो गए आपके। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, तो 6, यहाँ पे तो भाई साहब भरा ही नहीं है। ठीक है, तो 6-2 हो गया 4, हाफ ऑफ 4 इज 2, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, दिस शोज दैट सी टी मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव और आपका वैल्यू वाला बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। एनर्जी लेवल डायग्राम इज रिप्रेजेंट बाय दिस डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, इस पूरे का भाई साहब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। क्यों डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा बोलो, क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं,
जहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होती है, और पैरामैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, अन जा जल्दी से बोलिए, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, एन इंटू एन प्लस टू बी एम डब्ल्यू, नहीं सिर्फ बी एम, ठीक है ओके। तो आपका भाई साहब एन मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तू ना भाई साहब, अरे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल तो रहेंगे ही ना तेरे, पैरामैग्नेटिज्म किसके वजह से हो रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी इन दर इन द बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ओके। डबल बॉन्ड इन सी टू कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोर टू पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेल इन मोस्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है, डबल बॉन्ड और सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों से। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट लाइक एल आई टू सी आई टू मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द वेपर फेस। तो लिथियम अगर वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, लिथियम मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन टू मॉलिक्यूल्स भी आपके वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। Be2 दैट इज बेरिलियम, तो आपका 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई साहब 8। कॉन्फिगरेशन आपकी क्या हो गई, के एस्ट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1s सिग्मा 1s का स्क्वायर एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है भाई साहब आपका सिग्मा 2s का स्क्वायर सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s का भाई साहब स्क्वायर। तो आपने एल एल एस्ट्रिक्स क्यों नहीं लिख दिया इसको, पी ऑर्बिटल है फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आपकी कहानी अधूरी है, इसीलिए भाई साहब आप आगे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ 2-2, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, जिसका भी भाई साहब पेयरिंग हो जाएगा उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर उसका ही एग्जिस्ट करेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ओके। चलिए आते हैं बी टू पे भाई साहब, बी टू का कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 5 5 + 5 हो गया भाई साहब आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर सिग्मा एस्ट्रिक्स, तो ये हो गया 2px1 2py1 हाफ 4-2 दैट विल बी 1, तो ये हो गया आपका क्या, पैरा मैग्नेटिक। सी टू मतलब क्या हो गया, 6 + 6 = 12 के एस्ट्रिक्स सिग्मा 2s का स्क्वायर एस्ट्रिक्स 2s का स्क्वायर पाई 2px का स्क्वायर, दिस विल बी भाई साहब पाई 2py का स्क्वायर, ठीक है। सी टू में दो बॉन्ड भाई साहब, इट इज इक्वल टू, देखो इट इज इक्वल टू बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ 6-2, यहाँ पे हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कब होता है भाई साहब, जब आपका यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि आपका 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और 2py में भी भाई साहब आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे जितना होना चाहिए सब भाई साहब पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। आर वी क्लियर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ C2 इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ B2, वाई, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज मोर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2। B2 का बॉन्ड ऑर्डर आया था 1, C2 का बॉन्ड ऑर्डर आया है भाई साहब 2। तो पहला चीज आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओके, तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन C2 इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन B2 इज दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप देखोगे कार्बन में C2 में ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन B2। क्लियर है पीपल, आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मैथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल पर आयन इज ग्रेटर देन 8, देन सब्ट्रैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो, सिंस 8 इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड फॉर सिग्मा 1s का स्क्वायर सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s का स्क्वायर सिग्मा 2s सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s का स्क्वायर। सिंस द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अगर भाई साहब आपका एटॉमिक नंबर लेस देन 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू द बॉन्डिंग। तो पहला भाई साहब किस में जाएगा, बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देन इनटू द सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर। ये दोनों भी क्या है भाई साहब आपका, ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो पहले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरे जाएंगे। अगर आपका z ग्रेटर देन 8 होता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू सिग्मा 2pz
ठीक है, एंड देन इनटू बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा 2px और s, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। तो पहला आपका क्या है, आपका अगर एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है, तो आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके, देखो पहले तो आपने अगर 7 है, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 7 है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब किस में जाएंगे, फर्स्ट एंटर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट इनटू पाई 2px और ये हो जाएगा आपका पाई 2py, इसमें एंटर करेंगे भाई साहब, ठीक है। अगर आपका z ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू सिग्मा 2pz, ठीक है, पहले आपके सिग्मा 2pz में एंड देन इनटू बॉन्डिंग, फिर जाएंगे भाई साहब बॉन्डिंग में, दैट इज पाई 2pz एंड दिस विल बी पाई 2py, ठीक है। नोटबुक कभी निकालनी नहीं है, नोट कभी करना नहीं है, घर में जाके भी कुछ करना नहीं है, राइट। कल मैं ये चीज़ पूछूंगा तू बता नहीं पाएगा, कल मैं इस पे सवाल कराऊंगा, यू विल नॉट बी एबल टू टेल। ओके, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू बॉन्डिंग दैट इज 2pz सिग्मा 2pz और फिर आपका सिग्मा पाई 2pz इज बेसिकली पाई 2py। इन केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, जब z की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 कितना हो जाएगा, 7 + 7 दैट इज 14, ठीक है। तो आपका पहले देखो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14 - 8, पहले आप 8 को माइनस कर दो। 8 को क्यों माइनस कर रहे हो भाई साहब, ये पूरा चक्कर जो है आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा चक्कर आपका माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, 14 - 8 दैट इज 6। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू व्हेन जेड इज लेस देन 7, तो किस पे एंटर होंगे, व्हेन जेड इज लेस देन 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज लेस देन 7, तो पहला कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा भाई साहब, 2px एंड 2py, ठीक है, 2px और 2py, उसके बाद आएगा सॉरी आपका पाई 2px एंड पाई 2py और उसके बाद आएगा पाई 2pz, ठीक है। तो फर्स्ट विल एंटर इनटू पाई 2px और पाई 2py, तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स भर गए भाई साहब आपके, तो 4 हो गए, कितने भरने के बाकी थे आपके 6, तो इसमें 4 भर गए, तो आपका जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे भरा जाएगा भाई साहब, 2pz में, सिग्मा 2pz, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, तो पाई ऑर्बिटल बना और सिग्मा 2pz। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, तो आपका भाई साहब बॉन्डिंग आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और ये हो गया 0, दैट इज 3, ठीक है। इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे z क्या है भाई साहब, ग्रेटर देन 7 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू 8 हो गया, तो आपका भाई साहब क्या होगा, तो आप जब ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा तो पहला आप क्या भरेंगे, फर्स्ट एंटर इनटू, समझ में आ रहा, देखो अगर आपका z लेस देन इक्वल टू 7 है तो पहले आप क्या भरेंगे, 2px पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद आप भरेंगे क्या, सिग्मा 2pz, ठीक है, ये आप सेकंड इसमें भरेंगे। अगर आपका z भाई साहब क्या है, ग्रेटर देन 8 है, तो यहाँ पे 1 पहला आप क्या भरेंगे भाई साहब, सिग्मा 2pz और दूसरा क्या भरेंगे आप, पाई 2px और देन पाई 2py, ऐसे भरेंगे आप। और एंटी बॉन्डिंग का तो भाई साहब आपका बॉन्डिंग के बाद ही भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जब हमने लिया तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब, लेस देन इक्वल टू 7 है, तो लेस देन इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2px और पाई 2py पहले भरा जाएगा, तो ये तो आपका हो ही गया भाई साहब, इसको हम के एस्ट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है, और प्लस एस भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी 7 + 7 = 14, तो यहाँ पे पहले पाई 2px और पाई 2py, तो इसका मतलब आपका बाउंडर हो गया। यहाँ पे अगर 8 है तो 8 के लिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, पहला आप क्या भरेंगे, सिग्मा 2pz भरेंगे, ठीक है। और अगर लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू 7 है, तो पहला आप क्या भरेंगे, पाई 2px एंड पाई 2py, और अगर भाई साहब इक्वल टू 8 है तो पहला आप क्या भरेंगे, सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द बॉन्डिंग एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द एंटी बॉन्डिंग। तो अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 1s, ठीक है, तो आपके पास सिग्मा, इसका कॉन्फिगेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, तू बता यूसुफ इसका कॉन्फिगेशन क्या होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, फटाफट ओके, सिग्मा एस्ट्रिक्स, पाई 2px
कितना हो जाएगा? क्या सिग्मा टू पी जेड क्या स्क्वायर? कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास? 8 + 8 = 16 है भाई साहब। 8 कहाँ है? 8 की कहानी तो कभी खत्म हो चुकी है। 2 2 4 2 6 2 8 यहीं पे खत्म हो चुकी। 2p z में कुछ जाना ही नहीं चाहिए। 8 + 8 है भाई साहब। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है, O2 बन रहा है, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट 8। ठीक है, फिर क्या भरोगे? पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2py कितने भरे जाएंगे यहाँ पे? इसमें 2 और इसमें 2 है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें भाई साहब हो गए 2 और इसमें हो गए 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए अपने? 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? हाँ, किसमें, किसका एस्ट्रिक्स? इसका कि इसका? जेड का, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई जब तुम ऐसे भर रहे हो तो इसका इसका आएगा ना भाई साहब, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अगर आपका भाई साहब 7 से लेस है इंडिविजुअल एटम का, 7 एंड इक्वल टू है, तो आप पहले क्या भरेंगे? 2px, पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद भरेंगे आप सिग्मा 2pz। अगर आपका इक्वल टू 8 है तो पहले आप भरेंगे 2pz, सिग्मा 2pz, उसके बाद आप भरेंगे 2px, पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, क्लियर है? ओके, दैट वुड बेसिकली फिनिश द चैप्टर फॉर केमिकल बॉन्डिंग। हम कुछ कल सवाल करेंगे फिर बताएंगे आपको।